मामा, मुझे लेगो से खेलना पसंद है। एवा, हनी, ये आवाज कैसी है? कितनी गड़बड़ है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। जरा ये देखो, मैं टेप से कवर्ड हूँ। कूल है ना? बस मैं कहीं चिपक ना जाऊँ। वाह, ये मजेदार है। चलो लेगोज उठाए, इससे ही बहुत आसान हो जाएगा। हमें बस रोल करना है और इससे जल्दी भी हो जाएगा। ओह, ये मिस हो गए। पकड़ लिया। लगता है हमने सब उठा लिए। चलो इन्हें बॉक्स में डाले। बस इस तरह झाड़ेंगे। वाह, कमरा साफ हो गया। केक बनने ही वाला है, बस स्प्रिंकल्स बाकी हैं। स्वादिष्ट लग रहे हैं ना? मॉम को पता नहीं चला चल रही कि मैं यहाँ हूँ। तो केक मेरा होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती, पर कल सुबह तक रुकना होगा। चलो सो जाएं। वो चली गई? रास्ता साफ है, 5 घंटे छुपने का कोई तो फायदा हो। अब हम केक खाएंगे। वो जरा इसे देखो, मुझे इससे प्यार हो गया है। ये बहुत खूबसूरत है। मैं खा कर देखती हूँ, थोड़ा सा ही लेंगे। वाह, मॉम कितना अच्छा बेक करती है। हो सकता है यहाँ थोड़ा गंद मच जाए। ये बहुत अच्छा है। अब तो मेरे हो, मैं ये मजे से खाऊंगी। तो चलो, मजा आ गया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। ओह, बस आखिरी पीस है। ओह, क्या नींद आई। एवा, क्या ये मेरा केक है? हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे चला होगा। ये कैसे हो सकता है? हर बार ऐसा होता है। रुको, क्या ये स्पाइडर है? ओह, पर मुझे इससे एक आइडिया आया। मैं ये यम्मी कैंडीज का बोल फ्रिज में रख रही हूँ। किसी ने कैंडी कहा? ओह, मुझे वो चाहिए। बस ये कोई खा ना ले। यही मौका है, मॉम को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने खाई है। बहुत मजा आएगा। ये क्या? स्पाइडर्स? वो भी हर जगह। मैं जानती थी ये काम करेगा। हाँ? स्पाइडर्स को तो छोड़ो, इससे तुम्हें सबक मिलेगा। एवा, बहुत मजा आने वाला है, इतने सारे एनिमल्स हैं। ओह, उसे देखो, ये तो छोटा सा फ्लफी बनी है। कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत। एवा, तुम्हें मेरे साथ साथ रहना है। पर मॉम, वो बनी। वाओ, मुझे उस बनी से प्यार हो गया। इससे प्यारी चीज मैंने कभी नहीं देखी। पता नहीं वो अभी क्या कर रहा होगा। काश मेरे पास अपना एक बनी होता। एवा, कुछ हुआ है? ये देखो। ओ, बहुत प्यारा है। मुझे बनी चाहिए मॉम, प्लीज। मैं उसे रोज कैरेट खिलाऊंगी। हम बाद में बात करेंगे। क्यों? इसे देखो मॉमी। एवा, बस करो, मेरे पास एक और आइडिया है। इस रबर ग्लव के बीच वाले फिंगर में हम ग्लू लगाएंगे। अब इस फिंगर को फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब ग्लव को पलटाएंगे। ग्लू दोबारा चाहिए होगी। अब थंब और छोटी वाली फिंगर पर भी थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। इन्हें भी फोल्ड कर देंगे। अब एक मार्कर पेन चाहिए होगा। दो आंखें बनाएंगे और इसकी मूछें और एक मुंह। ये फ्लफी पिंक बॉल इसकी नोज बनेगी। अब एक पेपर कप और स्ट्रॉ चाहिए होगा। कप के साइड में एक होल बनाएंगे और इसमें से स्ट्रॉ डाल देंगे। अब कप के ऊपर ग्लव्स डाल देंगे। बस ये टिका रहे। अब ग्लव को हम कप के अंदर डाल देंगे। देखो मेरे पास क्या है। वाह, जब स्ट्रॉ से फूंक मारेंगे तो बनी बाहर आएगा। वो कहाँ गया? ओह, ये रहा। कूल है ना? मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया। सच में मॉम? क्योंकि ये कमाल है। आ जाओ लिटिल बनी। वाओ, मैं पूरा दिन कर सकती हूँ। देखते हैं किसका बनी पहले आता है। मैं जीत गई। थैंक्स मॉम, ये बहुत अच्छा है। मुझे सीरियल पसंद है। यू, बहुत गंदा है। हे मॉम। बहुत ही गंदा, काश मैं देखती ही ना। उप्स, माफ करना मॉम। अब एक ही चीज हो सकती है। हिलना मत, हर जगह क्रम्स है, मुझे इन्हें साफ करना होगा। मुझे चिंता हो गई थी। पीछे आओ। मुझे भूख लग गई है। यम्मी, मैं डर गई थी, पर मेरे पास ये है। ये है तो पुराना ही,
अब ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती, शुक्र है मेरे पास बैकअप है, एक जायंट सिरिंज। आपको पता है ना कैसे करना है? अभी सब निकल जाएगा। वाह, कुछ ज्यादा ही है, यह कहाँ से रहा है? पता भी नहीं हो रहा, ये काम की चीज है। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अब मैं सांस ले पा रही हूँ। आप सबसे अच्छी हो। थैंक्स मॉम। अब मेरे सीरियल की बारी। अब हाँ, इसमें भी नोजी है, मैं इसे छोड़ देती हूँ, मैं इसकी जगह टोस्ट खाऊंगी। अच्छी लग रही हूँ, मुझे बस यहाँ से बाल निकालने होंगे। आओ, आओ जी। ये मुझे दो। ओ, बहुत बड़ा था, बहुत तेज चुबा। रुको, मेरा मॉइस्चराइजिंग लोशन। ओ, मजा आ रहा है। देखो आंट पेटी, मैं बड़ी हो गई। कब से कब वो मस्ती कर रही है। छोड़ो, मैं अपने बाल निकाल लेती हूँ। लिपस्टिक, मैं खूबसूरत तो हूँ। एवा, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं, वो मेरा मेकअप है, रुक जाओ। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। खैर, खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए, पर तुम्हारे लिए यही अच्छा है। यह और क्या है, ये दिलचस्प है। आंट पेटी, देखो मेरा नया हेयर स्टाइल, देखो। ओह हाँ, यही पर। हा, हा, तुम पर जच रहा है। शुक्र है तुम्हारी मॉम यहाँ नहीं है, नहीं तो बहुत गुस्सा होती। मैं इस लुक से बोर हो गई, इसे शेव कर लेते हैं। नहीं, रेजर नीचे रख दो, ये मुझे दो। नहीं, ये मत करो। फिर बच गए। तुम क्या सोच रही थी, बालों को शेव नहीं करते? मैं तो बस खेल रही थी, माफ कर दो, मुझे डांटो तो मत। आउच, बस भी करो, शांत हो जाओ। रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं जानती हूँ क्या करना है। बस एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, इस पर शेप की शेप बनाएंगे और काट लेंगे। अब आर्टिस्टिक होने की जरूरत है, पहले शेप की पीस बनाएंगे। अब चेहरे की बारी, मुझे मजा आ रहा है, बहुत रिलैक्सिंग है, ये शेप बहुत क्यूट है। फिनिशिंग टचेस लगाएंगे, चेहरे पर कलर करेंगे, लेग्स पर भी। अब शेप के ऊपर स्टिकी टेप लगा देंगे, इससे ही वाटर प्रूफ हो जाएगी, तो कोई जगह नहीं छोड़नी। अब इस पर शेविंग फोम लगाएंगे, पहले फ्लीस पर, फेस और लेग्स छोड़ देंगे। ये तैयार है। एवा, जरा इसे देखो, तुम इस शेप की फ्लीस शेव कर दो। मैं दिखाती हूँ, ये करना बहुत आसान है और मजेदार भी। ट्राई करना चाहोगी? लो, रेजर लो। वाओ, कितना कूल है। तैयार हो जाओ, हम इस शेप को गंजा कर देंगे। बहुत बढ़िया है, मैं शेप का हेयर कट कर रही हूँ। मैंने कर दिया। वाओ, थैंक्स। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। रुको, ये क्या हो रहा है? मैं एवा को देख लेती हूँ। एवा, तुम ठीक तो हो? नहीं, वापस आओ मिस्टर यूनिकॉर्न। ओ, वो बेड से गिर गई, मैं उठा देती हूँ। ये ठीक है, स्वीट ड्रीम्स हनी। वो ठीक तो है? एवा, हाँ स्वीटी। वो अभी भी कैसे सो रही है? हमें ये ठीक करना होगा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना होगा, अब सही रहेगा, अब ये बिल्कुल सिक्योर है। सुपर मॉम ने अपना काम कर दिया। चलो भी, ये कैसा मजाक है, ये हो कैसे सकता है? मुझे लगा था वो काम कर जाएगा। ठीक है, कोई और प्लान देखना होगा। सोचने दो। ओह, मैं वो ब्लैंकेट इस्तेमाल कर सकती हूँ, बुरे से बुरा क्या ही होगा। बेड के ऊपर ब्लैंकेट बिछाएंगे और फिर उसे रोल करेंगे, इसकी सॉसेज जैसे शेप होगी। हो गया, अब शीट को ऊपर कर देंगे और ब्लैंकेट को मैट्रेस के बिल्कुल कोने पर लगा देंगे। अब इसके ऊपर शीट बिछा देंगे, बस ये अच्छे से टाइट होनी चाहिए। अब मैं एवा को वापस बेड पर लेटा देती हूँ। चलो हनी, इससे वो गिरेगी नहीं, अब ये परफेक्ट है, जैसे बैरियर हो। ओह, मेरी एंजल सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। बहुत
सुंदर हो डॉली। यही तुम्हारी कैडी स्पोर्ट? तुम तुम्हें निकलने से पहले टॉयलेट तो नहीं जाना ना? नहीं, चलो चलिए। हाँ हाँ रुक जाओ। वी, कितना मजेदार है। क्या जगह है, ज्यादा दूर मत जाना हनी। ओ, ये तो सुंदर है, मुझे ये चाहिए। मिल गया। खुशबू अच्छी है। मुझे सुसु करना है। डैडी, डैडी, एक इमरजेंसी है। मैं जानता था। ठीक है, चलो मेरे साथ। जल्दी। यहाँ पर झाड़ियाँ है ना? हाँ, ये जगह ठीक है। तुम यहाँ आराम से कर सकती हो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे सोचने दो। मैं समझ गया, मेरे साथ आओ। वो कहाँ है? डैडी! ये लो। ये मजाक है ना? नहीं! अरे सोचो यार, बहुत सीरियस बात है। ये काम आएगा। मैं समझ गया, जरा रुको। इस बकेट को ट्रंक में रख देंगे और इसका ढक्कन टॉयलेट सीट की तरह काम करेगा। तुम्हारा थ्रोन तैयार है। अरे शुक्र है। प्राइवेसी के लिए मैं यहाँ ब्लैंकेट लगा देता हूँ। डाट बनकर क्या क्या करना पड़ता है। हे, जल्दी कर लो। ला 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 ला। एवा, आलस में गाड़ी साफ करना। आज गर्मी है। हेलो, मैं पेट अंदर कर लेता हूँ। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, जरा उसे देखो और मेरी हेयर क्लिप देखो। हे लेडीज, ये कितना फनी है ना? क्लास से? वो मेरे साथ हंस रही है। नहीं, ओ नहीं, हर बार की तरह। हेयर मैं काम ही कर लेता हूँ, इसे साफ करना होगा। चमक रही है, मैंने अच्छा काम किया। ये हुई ना बात। मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ डैडी। चलो बैठो हनी। हाँ चलो चले डैडी। मैं म्यूजिक लगा देता हूँ। मुझे ये गाना पसंद है। ले ले ले, ले ले, ले ले ले। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? ओप्स, सॉरी। मैंने अभी ये साफ की थी। मैं थोड़ा सा तो डांस कर सकती हूँ। मैंने अभी क्या कहा? कोई बात नहीं, गहरी सांस लो, योगा क्लास की बात याद करो। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। इस टी शर्ट से सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे हेडड्रेस पर लगा देता हूँ और पूरी सीट पर नीचे तक खींच देंगे। अब तुम डांस कर सकती हो हनी। थैंक्स डैडी। चलो चले। ये स्कूल जाने का समय है, मैं बैकपैक की राइट लूंगी। हाँ मैं तैयार हूँ। डैड, डैडी, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं आ गया। चलो तुम्हें उठा लेता हूँ। क्या तुम तैयार हो? जोर से पकड़ लो। वी, बहुत मजा आ रहा है, मुझे बैकपैक राइड्स बहुत पसंद है। उम्मीद करता हूँ हमारा दिन बढ़िया जाए, है ना? रुको, हम यहाँ कैसे आ गए? शायद मैंने गलत टर्न ले लिया। मुझे तुम्हारे बाल ज्यादा पसंद है। हनी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारे लिए एकदम नए मार्कर्स। ये थैंक्स मॉमी, मुझे मार्कर्स बहुत पसंद है। ओह, दो ग्रीन्स। मैं पहले इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, मुझे ट्रॉफी मिलनी चाहिए। अब मैं सारे कलर्स इस्तेमाल करूंगी। ओह, ये तो रेनबो है, मुझे रेनबोस बहुत पसंद है। ये ब्लू, और मैं रेड के साथ अपना नाम लिख सकती हूँ। ओह, यहाँ इतने सारे कैप्स क्यों हैं? मुझे ये नहीं चाहिए। मैं सारी कैप्स हटा दूंगी। हे, ये मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा? मॉम, मॉम, मॉमी, दे
देखो मार्कर्स खराब हो गए, इन्हें ठीक करो। क्या? पर ये बिल्कुल नए हैं, मैंने अभी तो लेकर आई थी। लाओ मैं देखती हूँ इन मार्कर्स में क्या प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढती हूँ। देखो देखा, सारे मार्कर्स खराब हो गए। ओह समझ गई, तुमने इनके कैप्स उतार दिए। बिना कैप्स के मार्कर्स सूख जाते हैं। देखो एवा, जब तुम मार्कर्स यूज ना करो तो उनके कैप लगा कर रखो। ठीक है, कैप्स लगा कर रखने हैं। चलो देखे बाकी के कैप्स कहाँ पर है। एवा तुमने वो कहाँ पर रख दी? एक तो ये रही और यहाँ एक और है। सारी कैप्स इधर उधर पड़ी है, एक छोटी सी बच्ची इतनी गंदगी कैसे फैला सकती है। अच्छी बात है कि ये बहुत प्यारी है। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे ये गंद ना मचा पाती। ओहे टेप, इसने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। चलो शुरू करें। मैं टेप की एक अच्छी सी स्ट्रिप लूंगी, इतना काफी होना चाहिए। और जाहिर है अब मुझे मार्कर्स चाहिए। मैं इन्हें टेप के ऊपर लाइन में लगा देती हूँ, बिल्कुल इस तरह। और बाकी की बची हुई टेप को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये बहुत बढ़िया काम करेगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है हनी, ये देखो अब ये कैप्स कभी नहीं घूमेंगे, अब ये साथ में है। ठीक है ये लो। ये देखो मार्कर्स फिर से चल रहे हैं। मैंने पर्पल फ्लावर बनाया और एक ग्रीन हार्ट। तुम तो बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हो। ये पार्क खूबसूरत है ना? अरे वाह, हे कूल। ओह हाय एवा, देखो मैं कितनी ऊपर हूँ। एक सेकंड में नीचे उतरो। नहीं, वो कभी नहीं सुनती। ओ एवा, मिस्टर बनेनास, मैं आ रही हूँ। आउच, मेरे कांटा चुभ गया। इसीलिए पेड़ों पर चढ़ने के लिए मना किया जाता है। पर अगर मैंने कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं की तो मैं किस तरह की मॉम हुई? ट्वीजर्स नहीं है, कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा टक हो गया। देखो आप जादूगर हो मॉम। थैंक्स, फिर मिलेंगे। हे एवा, खूबसूरत दिन के बारे में बात करते हैं। हाँ, और मैंने अपने टू डू लिस्ट का सारा काम कर लिया है। मुझे प्लस मिलता है और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं होता। हे भगवान, मुझे पता था कि पेपर एक बुरा आइडिया है। ओह, मेरे ऑरेंजेस, यहाँ वापस आओ। अरे रुक जाओ। आखिरकार लगता है ये आखिरी थे। ये आम्स काफी फायदेमंद है, क्यों ना आपके लिए एक एक्स्ट्रा पेयर बनाया जाए। फुट को इसके ऊपर टक कर दे और आर्म्स को एक साथ टाई कर दे, काफी फायदेमंद है ना? अब ये सामान टिका रहेगा। जीनियस। वैसे मुझे एक बैग कैरी करना चाहिए था। ओह, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये मेरा फेवरेट पॉपिट है, मुझे बटरफ्लाईज बहुत पसंद है। हे भगवान, मेरी छोटी सी प्यारी सी एंजल। ओह हाय, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा। तुम कैसे हो? चलो वॉक पर चलें। या तुम चल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं? ओह देखो डॉली, एक पूल। मुझे तैरना बहुत पसंद है। वाह, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी पीना चाहिए। ये लो, अब कैसा लग रहा है? ओह नहीं, वो कहाँ चली गई? ओह वो वहाँ पर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पिछली बार के मुकाबले अब ये बड़ी हो गई है। डॉली, ये अच्छा मजाक नहीं है। ओह वो देखो, वहाँ पर एक बॉल है। ओह ये बॉल अच्छी भी है, मुझे पसंद आई। ये रेड और ब्लू है। हे वापस आ बॉल, कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। वो बॉल, देखो ये पेड़ कितना लंबा है, ये तो बहुत बहुत ऊंचा है। ये सबसे बढ़िया पेड़ है। पेड़ पेड़, मैं तुम्हें हिला सकती हूँ। हे मजाक कर रही थी, मुझे ये बुक बहुत पसंद है। हाँ रखो, वो कहाँ चली गई? वो कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, वो गुम गई, वो यहाँ कहीं भी नहीं है। ये रही उसकी डॉली, पर वो तो इसे हर जगह लेकर जाती है, वो कहाँ है? एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आपने इस छोटे बच्चे को यहाँ कहीं देखा है? वो ऐसी दिखती है। ओह हमें माफ कर दीजिए, हमने तो इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखा। वो कहाँ जा सकती है? ओह मेरा फोन। हेलो, हाँ, हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह वो कहाँ पर है? ओह मेरी एंजल, मेरी डार्लिंग, मम्मी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। हाय मम्मी। ओह इसे वापस लाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कॉल कैसे किया? इसके हाथ में ये ब्रेसलेट था, मैंने इस नंबर पर कॉल कर लिया। हे भगवान, मैं भूल गई थी कि ये ब्रेसलेट मैंने बनाया है। मैंने फिशिंग लाइन और थोड़े बीड्स लिए। इसे सुंदर बनाने के लिए हार्ट्स,
लेकिन मेरा फोन नंबर भी, आखिरकार उसका नाम भी। खैर, एनी को मेरे पास लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने हीरो को गुड बाय बोल दो एनी। बच्चे संभालना मुश्किल है, उम्मीद है इन हैक्स के साथ आपको थोड़ी आसानी हो जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और काम के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।